अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बेटी तो उनकी यही है ना, संभल कर ही चलना होगा उन्हें। लेकिन अम्मी इस बार मुझे दाल में कुछ ज्यादा ही काला नजर आ रहा है। अच्छा क्या बात करनी है आपको मेरे बेटे और होने वाली बहू के बारे में? सलमान क्या हो गया? सलमान तुम्हें क्या हो गया? कब से खेल रही हो ये खेल? शुरू से या बीच में तुम्हें ख्याल आया था मुझे उल्लू बनाकर मेरे जज्बात के साथ खेलना था? और कितनों के साथ खेल चुकी हुई? तुम्हें सब पता चल गया है? हाँ सब पता चल गया मुझे। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या रह गया और बात करने को? मैं तुमसे सॉरी कहने ही वाली थी सलमान। सॉरी? सॉरी माय फुट। तुम एक घटिया लड़की हो, घटिया। तुम ये सब कह सकते हो, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा किया है। मेरे साथ तुमने जो भी किया लेकिन हसन पर तुमने इतना घटिया इल्जाम लगा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा साथ जान चुका था। बोलो जान चुका था ना? हाँ। पैसा, सिर्फ पैसा, इतनी लालच है तुम्हारे में? अरे अपने मुंह से मांगती तो मुंह पर दे मारता, ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? सलमान चल चलते हैं यहां से। छोड़ यार मुझे इससे बात करने, मुझे इसको इसकी औकात याद दिलाने दे। कुछ फायदा है इसका? इसको एहसास होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। इसके अंदर तो फीलिंग्स नहीं है, ये लड़की बेहिस हो चुकी है। ठीक कह रहा है तू, इतनी बेहिस हो चुकी है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जितनी मोहब्बत मैंने इससे की थी ना, कोई भी इंसान बदल जाता। चल अब इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, चल चल ना यार। और तुम दोबारा कभी गलती से भी सलमान को अपनी शक्ल मत दिखा रहा। बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती यार। तेरा कसूर नहीं है, वो बहुत माहिर थी अपने काम की, और तेरी जगह कोई भी और होता तो बेवकूफ बन ही जाता। कसूर सारा मेरा ही है यार, मैं ही लोगों को समझने में भूल कर देता हूं। पहले फरीदा फिर सारा, लोगों को समझने में इतनी बड़ी भूल हो जाती है मुझसे। डफर हूं मैं, डफर एक नंबर का, स्टूपिड बेवकूफ आदमी। कहते हैं कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं होता, लेकिन असल अगर मैं तुझे सॉरी बोलूंगा मेरे हवाले से अपना दिल साफ कर लेगा ना? यार मेरा दिल तेरी तरफ से कभी मैला था ही नहीं। देख अगर दिल मेरा मैला होता तो मनाल के साथ मिलके मैं तुझे सारा की असलियत दिखाता। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया यार, तब भला बुरा कहा, रियली सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, अगली बार मैं भी तुझे कुछ कह दूंगा तो बदला पूरा हो जाएगा। देख सलमान जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूलने की कोशिश करिए। आसान नहीं है यार, मैं जानता हूं, लेकिन ये भी तो सोच कि अगर वो तेरी जिंदगी में आ जाती तो कितना बुरा होता। तो फरिया के बारे में भी यही कहता,
हाँ ना, लेकिन इस बार तो तेरा इंतखाब फरीहा से भी ज्यादा बुरा था। उसने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई तू मासूम है, और ये दुनिया है ना, ये मासूम लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही करती है। शायद, लेकिन एक बात है सलमान, आज तूने ना कमाल की बहादुरी दिखाई है। कैसे सबके सामने तूने उसकी औकात उसको दिखा दी यार, और मुझे लगता है कि इससे बढ़ के सारा की और कोई सजा हो ही नहीं सकती। सलमान यार, तुझे खुद को संभालना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा तुझे भाई। अरे फरिया, अब सारा यार, क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह जाती? मोहब्बत यहां चाहिए किसे? आज के दौर में तो सब पैसों के गुलाम है। अच्छा चल, अब कुछ बाहर जाके खाते हैं। नहीं यार, मेरा मूड। अरे भाई, मेरे लिए मूड बना ले, पता है कितने चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। चल चलते हैं। अरे चल ना यार, चल 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 चल। सॉरी यार। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? काम काम और सिर्फ काम। अब अपनी सीट पर बैठना है। नहीं नहीं, तुम बैठो, अच्छे लगते। थैंक यू। और क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। हाँ, वो तो रहमान साहब ने बता दिया था मुझे। तारीफ कर रहे थे उन्हें? हाँ, तारीफ भी कर रहे थे और तनकीद भी। तनकीद? हाँ, कुछ खास नहीं, बस कह रहे थे कि कंपनी के बारे में तुम वो बातें भी जानना चाहते हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा कहा उन्होंने? कहा तो है। मैं तो सिर्फ बिजनेस को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रहा था, इसके सिवा मेरा और कोई मकसद नहीं। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा। असल में इतने अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, तो शायद इसलिए। जी शायद। अच्छा चल, तुम अपना काम करो, मैं बाकी मामला देख कर आऊँ। श्योर। इस रहमान को तो ठिकाने लगाना होगा। सारा, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? दो मिनट रुक के मेरी बात तो सुन लो। हटो मेरे रास्ते से। शुक्र करो, वैसे उसने सबके सामने थप्पड़ नहीं मारा तो मैं कितनी इंसल्ट हो जाती यार। रास्ता छोड़ो मेरा फरीहा। एक मिनट। देखो, आज अपना दिल बड़ा करके मैं एडमिट कर लेती हूँ, मान लेती हूँ कि बदजबान थी मैं, बदतमीज थी, सलमान पर शक करती थी, लेकिन तुम जैसी घटिया तो कभी भी नहीं थी यार। और मैं तो शुरू से ही कहती थी कि तुम जैसी नजर आती हो ना, वैसी हो नहीं। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता था, और आज देखो कैसे मेरी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो। फरीहा, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, सलमान तुम्हारा वापस नहीं हो जाएगा। आई समझ तुम्हें? समझ गई। लेकिन तुम तो मेरी समझ से भी कई आगे की चीज हो यार, तुम्हें नहीं समझ पाई मैं। क्या कहते हैं ऐसी लड़कियों को, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ज़बान संभाल कर बात करो अपनी फरीहा। हैरत है वैसे, ये सारा सच सामने आने के बाद भी अकड़ नहीं गई तुम्हारी, वही की वही है। यू नॉट रेडी टू चेंज, तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तर्स भी आ रहा है तुम्हें। एक काम करती हूँ, अब मैं बैग से ला के तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, उसी के लिए काम करती हूँ। आशा तुम आ गई हो। मैं कैसे नहीं आती मामा, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था मुझे। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। मैं आऊंगी, और मैं रोज आऊंगी। सच? जी। आशी बीबी, आप देखो ना कौन आया।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे भी यहाँ पर इतने अरसे बाद आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपके लिए कुछ लाऊं मैं? बस पानी और सारी आयशा की पसंद की चीजें बनाना शुरू करो। खाना तो यही खाओगी ना? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं बनाती हूँ जो जो आशी बीबी को पसंद है। ठीक, अंदर चल के बातें करें। चलें, बहुत सारी बातें करें। ये देखो फरिया। क्या? जब सलमान सारा पे गुस्सा कर रहा था ना, तो किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी। दिखाओ। कमाल ही हो गया यार, ये वीडियो मुझे सेंड करोगी? तुम क्या करोगी? मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी। छोड़ो यार, सलमान को बुरा लगेगा। उससे क्यों लगेगा बुरा? उसकी जिंदगी में अब सारा का कोई नामो निशान नहीं। बड़ी पिक्चर्स लगाती थी ना सारा ग्रुप पे, उसकी भी वीडियो पोस्ट होनी चाहिए। और ये भी, ये देखो, सब तुम्हारे हैं। ये सब तो बहुत ज्यादा है मामा, और ये सब तो आपका था ना? मेरा था, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारा है, और कुछ नए भी खरीदने हैं मैंने। बहुत खूबसूरत है। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी मामा? क्यों नहीं जरूरत थी? मेरी एक ही तो बेटी है, मेरी खुशी तो तुमसे ही है। देखो, ऐसा लग रहा है? ब्यूटिफुल। तुमने बहुत अच्छा किया सलमान, वो इन सब बातों की मुस्तहिक थी। मेरे ख्याल में तो तुम उसे यूनिवर्सिटी से ही निकलवा दो, वीसी से बात करके। नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ जितना हो चुका है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म हुई ना, खुद ही यूनिवर्सिटी छोड़ के चली जाएगी। रहने दो सलमान, ऐसे लोगों में कोई शर्म वरम नहीं होती। अगर शर्म होती ना, तो इस तरह की हरकतें ही नहीं करती वो। मॉम, मैंने हसन से भी माजरत कर ली। अच्छा, माफ कर दिया उसने? हाँ जी। तुम ऐसा करो ना, किसी दिन उसे घर पे बुलाओ, मैं भी उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो ना, सारा की वजह से मैंने उसके साथ कितना बुरा किया, कितना कुछ कह गई उसे, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। बल्कि वो आपका पूछ भी रहा था। मिनाल को देखो, कितना मुझे समझाती रही, कहती रही, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कभी एतबार ही नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार होगी, और मैंने ना उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। ठीक किया। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं नहीं सारा, कैसे पता चल गया सलमान को? किसने बताया? पता नहीं, शायद आई थिंक हसन ने बता दिया हो। नहीं नहीं नहीं, हमने कहीं गलती नहीं की थी। हसन के बाप को भी पता नहीं चल सका। फिर मुझे नहीं पता किसने बताया। यार बना बनाया खेल बिगड़ चुका है, मैं तो इतना जानता हूँ। कौन सा खेल? मैं सलमान से कभी शादी करना चाहती ही नहीं थी, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम क्या बार बार मुझे उसके साथ शादी करने का कहते हो? मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो तुम? बोलो, चुप क्यों हो गया? ऐसी कोई बात भी नहीं है सारा, यार कम ऑन यार प्लीज। तुम मुझे ना एक बात आज साफ बता दो, तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है ना? नहीं है मेरी जिंदगी में कोई और लड़की। प्लीज मुझे तंग करना बंद करो, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है बहुत। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतना गुस्सा हूं मैं इस वक्त यार, तुमसे एक काम नहीं हो सका सही तरीके से। तुम उसके पैर पड़ लेती, उसे माफी मांग लेती, मतलब हमारा तो सोचती। तुम्हारे अंदर कितनी लालच भरी है, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? लालच भरी है मुझ में, सारी लालच भरी है। कल तक तुम इसी लालच में बराबर की शरीक थी, और आज मैं लालची हो गया हूं। शाबाश। ठीक है, मैं अब और ये काम नहीं कर सकती, आई समझ? ठीक, मेरा आखिरी फैसला है। ओके। तुम मुझे अपना फैसला सुना दो।
बोलो। ठीक है, होल्ड राइट, हम और क्या कर सकते हैं, हम नहीं करें खुश। हेलो, हाय सलमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। किसी काम से फोन किया? आज तो मैं तंज मारने के लिए फोन नहीं किया, हमदर्दी में किया। कैसी हमदर्दी? जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हुआ उसके लिए हमदर्दी। बेशक मुझे सारा शुरू से अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करे। हाँ, चाहता तो मैं भी नहीं था ऐसा। ऐसे जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आई फील रियली बैड फॉर यू। मेरे लिए ऐसा सोचने के लिए थैंक यू। किससे बात कर रही हो? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे फोन दिखाओ, मैं देखता हूँ। क्या बदतमीजी है? किससे बात कर रही हो? सलमान से बात कर रही थी ना तुम? हाँ कह रही थी, वो मेरा क्लास फेलो भी है, मेरा दोस्त भी है। और मंगेतर भी? मंगेतर था, मंगनी टूट चुकी है हमारी। दिल में तो है ना तुम्हारे? ज़बान संभाल कर बात करो शायद। मेरी बात सुनो, तो अगर तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा ना उसको, तो मुझ पे एक एहसान करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा घर छोड़ के वहां चली जाओ वापस। आपका बाय। ओह थैंक यू। हसीब, मैंने आपका लंच बना दिए और वो मैंने गाड़ी में रखवा दिए। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं ऑफिस से ही लंच कर लेता हूँ। नहीं आप क्यों करेंगे ऑफिस से, मैंने बना दिए ना। और वैसे भी क्या फायदा ऐसी बीवी का अगर शौहर ने बाहर से ही कुछ खाना हो तो। अल्लाह हाफिज। वैसे आपको कभी ख्याल नहीं आया हसीब को खाना बना के देने का? फिर कब से ज्वाइन करोगे ये ऑफिस? शादी के बाद से ही। हाँ ठीक है, वैसे भी शादी में तुम्हारे कुछ दिन बहुत बिजी गुजरेंगे। ठीक है, अच्छा है, शादी के बाद ज्वाइन करो। और जो मैं तुम्हें चेक दिया था कैश करवा लिया तुमने? जी जी, वो तो कैश करवा लिया था मैंने। वैसे इतनी बड़ी रकम का क्या करना था तुमने? वो मैंने अपने बहनोई से कुछ उधार लिया हुआ था, उन्हें वापस करना था, लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? देखो बेटा, तुम्हें आशी को खुश रखना होगा, उसे कभी कोई दुख तकलीफ नहीं दोगे, इसका वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपसे वादा करता हूँ। शायान, आशी कभी अपनी माँ के पास खुश नहीं रही और मैं भी कभी उसको वो खुशी नहीं दे सका। अब उसकी सारी खुशी की जिम्मेदारी तुम पे आयद होती है, मुझे मायूस मत करना। जी अंकल, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मायूस ना करूँ। अल्लाह करे ऐसा ही। सारा, तुम यूनिवर्सिटी में? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है फरीहा? मेहनत की तो बात है ना, मुझे तो लग रहा था कि तुम शर्मिंदगी की वजह से दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगी नहीं, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ढीठ हो। एक बात बताओ, ग्रुप पर वीडियो तुमने लगाई है ना? क्यों ना लगाती, अभी ही तो मुझे मौका मिला तुम सुलझने का। एक बात बताओ, उसे कितने पैसे वसूल कर चुके हो तुम सलमान से? 10 लाख, 20 लाख,
और हसन ने बताया था मुझे कि तुम्हारे भाई का और तुम्हारा यही काम है। बकवास बंद करो अपने सारा, ये गुस्सा ये एटीट्यूड तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता सारा। तुम मेरी जिंदगी पर इतने तंज मार रही हो, जरा खुद की जिंदगी पर भी नजर डाल दो ना। क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? बिल्कुल ठीक चल रही है मेरी जिंदगी। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पियर देन यू आर। लगता है फिर तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। किस बारे में? अपने शौहर के बारे में। जिस लड़की के साथ मिलकर तुम्हारा शौहर तुमसे बेवफाई कर रहा था ना, अब उसी के साथ मिलकर वो घर बसा रहा है। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या मैं क्या कर रही? तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना हसीब पर कब्जा करने वाली, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं क्यों कब्जा करूंगी हसीब पर? वो मेरे ही तो हैं, शादी हुई है हम दोनों की, और वैसे भी मैं उनकी बीवी हूँ। और मैं उनकी पहली बीवी हूँ। तो क्या हुआ, पहली बीवी के मौजूद होने से क्या दूसरी बीवी का हक खत्म हो जाता है? मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी, और आपको मसला क्या है? एक लंच बॉक्स ही तो बना के दिया है मैंने हसीब को। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। नीचे को मजीद नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इन हरकतों से हसीब तुम्हारे नहीं हो जाएंगे। आपका क्या मसला है, आप क्यों जल रही हैं? तुमसे कौन जल रहा है? जल ही तो रही हैं आप, जरा देखें आप खुद को आईने में। तुम शायद भूल रही हो कि हसीब ने तुमसे मजबूरी में शादी की थी। मजबूरी में ही की है, जानती हूं मैं, इसलिए ऐसा कर रही हूं ताकि मेरे बजाय आपका वजूद इस घर में उनको मजबूरी लगने लगे। लगता है फिर तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है अपने शौहर के बारे में। जिस लड़की के साथ मिलकर तुम्हारा शौहर तुमसे बेवफाई कर रहा था ना, अब उसी के साथ मिलकर वो घर बसा रहा है। हेलो, हाँ शायान के बारे में क्या अपडेट है? क्या वो दूसरी शादी कर रहा है? देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मुझे पहले से मालूम होनी चाहिए कि वो दूसरी शादी कर रहा है या नहीं। ठीक है बताओ मुझे। शायान तुम आजकल ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, ऑफिस छोड़ रहा हूँ मैं। ऑफिस छोड़ दोगे तो जॉब कौन सी करोगे? आशी के अब्बू ने कहा है कि शादी के बाद वो मुझे अपने ऑफिस में रख लेंगे। अच्छा, उनसे बात होगी तुम्हारी? हाँ, उन्होंने कहा था कि शादी के बाद मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी ऐसे ही चाहता था, मैं मजीद हसीब भाई के ऑफिस में जॉब नहीं कर सकता। ये तुम्हारा अच्छा फैसला, लेकिन एक फैसला तुम्हारा ठीक नहीं है। कौन सा? आशी को दूसरे घर रख लेगा। तुम ही आप खुद बताए ना मैं क्या करूं। तुम फरिया से इतना डरते क्यों? फरिया से कौन डर रहा है? तो फिर हमने मुझे आशी की परवाह और किसी की नहीं। हाँ तो आशी को मत बताओ ना, लेकिन फरिया और उसकी माँ को तो पता चले। नहीं अम्मी, अभी मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा, फिलहाल मैं छुपा कर रखना चाह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी और आशी की शादी इसलिए की थी ताकि मैं फरिया और उसकी माँ से बदला ले सकूं, और तुम कह रहे हो इस शादी को छुपा के रखना। अम्मी कुछ दिनों की बात है, मैं खुद आशी को बता दूंगा। कब तक? थोड़े दिनों में। हाँ
मैं फ्रिया और उसकी माँ को बता देना चाहती कि जो जुल्म उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया ना, वो मैं भी कर सकती। अरे अम्मी आप बता देना, बस थोड़े दिन सब्र कर लें। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें जज करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो शौक से देखो मुझे, जो अज्यूम करने करो। तुम्हारे बारे में एक बात पता लगी है मुझे। क्या? अभी सिर्फ शक है, वो खबर झूठी भी हो सकती, लेकिन अगर मुझे पता लगा ना कि सच्ची थी तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूँ। क्या खबर है बता दो। कुछ नहीं, बस तुम एक बात याद रखो कि तुम्हारी बहन अभी मेरी माँ के घर है। मेरी एक आवाज पे धक्के खा के यहाँ वापस आ सकती है, इस बात का अंदाजा है ना तुम्हें? और अगर अंदाजा नहीं है तो याद रखो, हसीब भाई की तो अब दूसरी शादी हो ही गई, मायदा भाभी कितने दिन तक अपना जादू चलाए रखेंगी उन पर? इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात के बारे में जरूर सोच। सिकंदर तुम्हें पता है ना घर में कुछ दिनों के बाद आशी की शादी है। जी जी मुझे पता है, I know। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सारा को भी बुला लो। देखो तुम्हारे जो भी क्लैशेस सब खत्म करो, अच्छी लड़की है वो। आप मिली उससे? हाँ मैं मिली हूँ, आशी के साथ आई थी घर पे, मुझे बहुत पसंद है। बुलाओगे ना उसे? तो घर में कर्टन्स लगवा लिए, फर्नीचर सारा सेट हो गया? जी मामा सब कुछ हो गया सेट। कैसा लग रहा है, शायान को कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो गुड, मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ उस लम्हे का जब मेरी शहजादी दुल्हन बन के जाएगी अपने घर। माशाल्लाह, जीती रहो। मैं कैसी लग रही हूँ मामा? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, मेरी नजर ना लगे बस। आपकी नजर कैसे लग सकती है, आप तो माँ है मेरी। मुझे पता नहीं था कि तुम पे इतना रूप आएगा। मामा ये रूप शादी की वजह से नहीं, ये इसलिए है कि आप सब लोग मान गए और सब साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी शादी। मैं कितनी नाराज क्यों ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि मैं अपनी इकलौती औलाद की शादी अटेंड ना करती। अच्छा ये बताओ शायान की फैमिली निकल गई घर से? मैं फोन करके पता करती। नहीं मैं खुद फोन करूंगी, अब तुम शायान से सारी बातें ना रुखसती के बाद करना। जैसी आपकी मर्जी। हेलो। अरे कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? मेरा फोन साइलेंट पे था, तुम बताओ क्या बात है? एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप पहुँच जाइए। ऑलराइट पहुँच जाऊँगी, लेकिन बात क्या है? बहुत बड़ा सरप्राइज है आपको। अच्छा तुम लोकेशन सेंड करो। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप पहुँच जाइए। अरे सिकंदर किससे बात कर रहे हो बेटा? मॉम मैं अपनी कॉल की, क्या हुआ? अच्छा जल्दी से आओ, घर मेहमान आ गए, रिसीव करना है। एक मिनट दे मैं बस आया। चलो आ जल्दी आ, समझा करो ना। सुने मॉम,
सोया शायान के घर वालों के साथ? शायान आ गया। कैसा लग रहा है? सच बताओ तुमसे भी ज्यादा प्यारा। वो तो है ही प्यारा। अच्छा तुम रेडी हो? जी मामा। तो भी चले चले। एक सेकंड एक सेकंड। परफेक्ट। अच्छा यहाँ कैसे? कम से कम यहाँ पर सर तुम मत कहो। I'm sorry, सिकंदर। By the way, तुम यहाँ कैसे? वो आशी के जो हस्बैंड हैं, हाँ? वो मेरे भाई हैं, शायान। शायान तुम्हारा भाई है? जी, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं, I was not expecting this really. वैसे आप आशी भाभी के क्या लगते हैं? मैं उनका एक तरह से भाई हूँ। Oh, nice. क्या इत्तेफाक है। हाँ वैसे है तो सही। अब गिव मी अ मोमेंट। हाँ मैम श्योर आता हूँ। ऑलराइट मुझे फरीहा को यहाँ बुलाना चाहिए या नहीं? कहीं आशी का मामला खराब करते करते मैं अपना मामला ना खराब कर लूँ, अपना और जोया का। नहीं मुझे फरीहा को यहाँ बुलाना नहीं चाहिए। हेलो। मैं कब से वेट कर रही हूँ, तुमने लोकेशन क्यों नहीं सेंड की है? वो दरअसल मुझे गलत इतला मिली थी। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ आपको पहुँचना जरूरी। इतला क्या मिली थी तुम्हें? यही कि शायान दूसरी शादी में। तो अब? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। Are you sure? अब यस 100%। Thank you.
ये सब तुमने किया है? हाँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है सब कुछ। पसंद आया ना तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? वैसे शायान, अम्मी और जोया क्यों चली गई? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? वो अम्मी कह रही थी कि कल चक्कर लगाऊंगी मैं। ओके।